बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नोरतराम रोड़ी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल मैं आपसे एक बहुत ही खुशखबरी की बात सुनाने वाला हूं, लेकिन दुख भी होता है ऐसी खबरें देखकर, और ऐसी खबरें नहीं बल्कि इनका विश्लेषण करने के बाद, और खुशी होती है इस प्रकार की खबरें देखने के बाद। बसपा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर पिछले दिनों कई खबरें आई थी जिसमें बसपा के प्रत्याशियों को परेशान करने की खबरें सामने आई थी, और आपको बता दें कि बंगाल में काफी ज्यादा माहौल है, वो अराजकता का सा है, इस वजह से काफी ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम भी है, वो सामने क्रिएट होती है। तो मैं आपसे एक बात आज करना चाहता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं उनका जो राज्य है ये आपके बंगाल, उसके अंदर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो बसपा के कार्यकर्ताओं का स्वागत कैसे करते हैं, मैं आज एक रोचक वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। और ये वीडियो मैं भेजा है हमारे बंगाल से इस चैनल के व्यूवर्स ही नहीं बल्कि बहुत ही मजबूत साथी और इस चैनल को चलाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है उनकी तरफ से ये वीडियो हमें भेजा गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से ये वीडियो भेजने के बाद मुझे भी देखकर बहुत अचंभित हुआ। कई देर तक तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने उनसे बातचीत की तो उसके बाद मैं समझ पाया। तो पहले आप वीडियो देखेंगे या मैं बता दूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो गरीब समाज है बंगाल का, उसके अंदर जाते हैं तो उनके अंदर आवभगत इस प्रकार किया जाता है कि बसपा के कार्यकर्ताओं के तेल माल जो पैर है उनको दबाया जाता है, उनकी मालिश की जाती है, तेल लगाया जाता है, उनका आवभगत किया जाता है, इस प्रकार की परंपरा है वहां पर। और इस परंपरा के साथ बसपा के लोगों का है वो मान मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें हम हिंदी पट्टी राज्यों की, ये दक्षिण के अंदर अच्छी खासी माहौल है बसपा के लिए, मतलब एक पुनर उत्यान हो रहा है, पवन कल्याण का साथ आना और ये सारे तमाम इस मामले में अगर देखूं तो मैंने 2 अप्रैल से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी की उड़ीसा से जो 2 अप्रैल को रैली हुई थी वहां से लेकर अब तक की रैलियों को देखूं तो मुझे ये चीज कॉमन नजर आई है। जहां पर बसपा को मजबूत पाना चाह रहा था वहां पर डाउन देखा गया है वहां पर, लेकिन जहां जिन राज्यों के अंदर कमजोर समझा जाता था जैसे कर्नाटक है, उड़ीसा है और आपके बंगाल है, इन राज्यों के अंदर उफान सा आया है, इनके अंदर वोट बैंक बढ़ने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर लोगों ने बहुत अच्छा उनका रेस्पेक्ट आदर भाव किया जाता है। आप देखना इस वीडियो को, उसमें मैं समझा देता हूं आपको पहले कि यहां से बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो बहुत अच्छा आवभगत किया जाता है। उनके जो मिशनरी कैडराइज कार्यकर्ता है जो घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं बिना निस्वार्थ भाव से, उनकी बहुत साथ आदर भाव किया जाता है। मुझे इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा लगा कि जो दक्षिण राज्य है उनके लोग हैं वो बसपा को विचारधाराओं को समझ रहे हैं, जबकि जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं उनके अंदर जो निराशाजनक परिणाम आ रहे हैं उससे समझ में नहीं आता कि ये लोग कब किस वजह से इस प्रकार का कर रहे हैं। वैसे खास तौर से आपको बता दूं कि इन राज्यों के अंदर जो बीजेपी और कांग्रेस है इनके साथ हमारा समाज बहुत ज्यादा है और इनको छोड़ना नहीं चाहता, शायद ये भी एक वजह हो सकती है। और उन तरफ के लोग हैं कि वहां पर कांग्रेस बीजेपी की जो लोग हैं वो इन पर अत्याचार जुल्म ज्यादती करते हैं, और बसपा के साथ वही व्यक्ति आता है जो पीड़ित होता है जिसकी कोई आवाज नहीं सुनता। तो इस वीडियो को आप देखना ना भूलें, और अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर भी करना। बिल्कुल धन्यवाद। এটাকে ইয়ে করো, ভিডিও করো। ঠিক আছে।